तो ये बहुत बड़ा दावा है जो पंकज झा से बातचीत में सोहन लाल ने किया है। सोहन लाल जिस मामले में जो लक्ष्मी देवी है उनके पति हैं, जो वादी है उनके पति हैं, उनकी तरफ से तो कहा गया बाबा मिल गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो इन तमाम दावों से इनकार कर रहा है। उनका पक्ष भी सुनना बहुत जरूरी है, सुनिए जरा। मेरा कहना है कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं, सुनिए। अच्छा, कह रहे हैं कि नहीं मिले, तो अंदर नहीं। आज के सर्वे में क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। सब सही है, आज सर्वे पूरा हो गया, जो है शांतिप्रिय ढंग से हो गया। यहाँ तक कहा कि 15 फीट का मलबा है जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ, त्रिशूल के निशान की बात है, वो दबे हुए हैं। ये सब झूठ है क्या? ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है, जिसको आपत्ति होगी आप ही दाखिल करेगा। कह रहे हैं कि आप इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके पक्ष का कुछ मिला नहीं है वहाँ, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। हमको कुछ नहीं कहना इस पर। सोहन लाल जी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गया, आज हमने जो देखा। ये सोहन लाल से पूछिए, वो कह रहे हैं 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। चले निकल निकल ले लीजिए भाई, हमारे बोला जा रहा है पागल, बोला जा रहा है पागल मिल गया। ये क्या करना, कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम। लेकिन क्या मिला मुस्लिम पक्ष को, क्या मिला ये कल पता चलेगा। आपके लिए रिजल्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग है आज, वो रिपोर्ट जो है वो सिक्योर होती है कोर्ट में, रिपोर्ट आज सबमिट की जाएगी। अब ये कल के डेट दिया गया है, चलिए आगे बढ़िए। तो आपने एक और हिंदू पक्ष के दावे सुने, दूसरी और मुस्लिम पक्ष के दावे सुने। हिंदू पक्ष कह रहा है बाबा मिल गए, मुस्लिम पक्ष कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि दावों से कुछ नहीं होता, कोर्ट के सामने साक्ष्य रखने होंगे, इसलिए सर्वे में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करवाई गई है। मैं रुक करना चाहूंगी ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे सहयोगी का, उनके पास क्या कुछ जानकारी। ज्ञानेंद्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? प्रतिमा वो तमाम जानकारी जो लोग जानना चाहते हैं, आज क्या क्या जानना चाहते हैं, सर्वे खत्म हो गया उसके बाद क्या जानना चाहते हैं। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं, वादी पक्ष के वकील हैं, इनसे हर वो सवाल करूंगा मैं जो 3 दिन से देश की जनता जानना चाहती है। चतुर्वेदी जी, सिलसिलेवार तरीके से बताइए 3 दिन क्या क्या हुआ और आज निष्कर्ष कहाँ तक पहुँचा। जैसे आप कह रहे थे कि वादी पक्ष के वकील होने के नाते जो आपने दावा किया था वो सच निकला, क्या दावा था, क्या सच निकला? देखिए, अधिवक्ता कमिश्नर, जो विशेष अधिवक्ता कमिश्नर श्रीमान विशाल सिंह जी, अजय कुमार मिश्र जी, अजय प्रताप सिंह जी, उनके सहयोगी संजय सिंह जी के नेतृत्व में बड़ा ही सफलतापूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से ये 3 दिन जो है कमीशन की कार्रवाई चली है और आज पूर्ण हुई है। और हम लोगों ने जो भी दावा की पेश प्रस्तुत किया था, आदि विश्वेश्वरनाथ, ज्ञान भापी और श्रृंगार गौरी, आज समझ लीजिए साक्षात ईश्वर प्रकट। अंतिम दिन था आज जो है कमीशन कार्रवाई की, बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया और हम लोगों का जो दावा था वो बड़ी बात कह रहे हैं। चतुर्वेदी जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ABP न्यूज़ पर, वादी पक्ष के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि साक्षात भोले बाबा ने दर्शन दे दिया। इसके आगे भी मैं बात करूंगा, लेकिन आप बताइए, एक कुएं की तालाब की बात हो रही है, आप जहां कह रहे हैं कि हम वहां जा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत नीचे, वो क्या कहानी है जरा वो बताइए, बहुत आसान सब हुआ था उसमें। जो आज हम लोगों ने आपत्ति लगाई थी कि इस पानी को साफ करवा के इसके साक्ष्य, इसके जो है इसमें भी कमीशन रिपोर्ट जो है तैयार किया जाए, और माननीय अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह जी ने, अजय मिश्र जी ने बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से पानी हटवाया और हटवाने के बाद कमीशन की कार्रवाई को पूर्ण कराया और वहाँ हम लोगों के तमाम साक्ष्य मिले। आज जो है आज हम लोगों के साक्ष्य, जो हम लोगों ने दावा किया था उसके साक्ष्य जो है स्पष्ट खुलकर सामने आ गए। और तो वो जो पानी हटवाया गया, वो पानी के अंदर भी कह रहे हैं कोई आकृति मिली है? बिल्कुल बिल्कुल, क्या मिला है बताइए, दर्शकों को बताइए क्या मिला। हमने कहा ना कि भाई वो जो हम लोगों ने दावा किया आज हम लोगों को मिल गया है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के वकील कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ये उनका दावा है, ये हम लोगों का दावा, न्यायालय तय करेगा कि क्या सही है गलत है, ये उनका दावा है, वो तो कह ही रहे हैं कुछ नहीं है। लेकिन हमने प्रमाणित ढंग से आज तक जो दावा हम लोगों ने पेश किया है माननीय न्यायालय के सामने, प्रमाणों के साथ साक्ष्यों को रखा था और आज हम उसमें सफल रहे हैं। अच्छा, 1500 फोटोग्राफ्स खींचे गए हैं, फोटोग्राफर ने ABP न्यूज़ को ये जानकारी दी है, 1500। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मस्जिद का कौन कौन सा हिस्सा था जो तहखाने में मलबे की बात हो रही थी। कल से लगातार हम लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर मलबा है, तो क्या उसको हटाया गया या नहीं हटाया गया, वो भी साफ कर दीजिए। मलबा बहुत नहीं हटाया गया, जो ऊपर ही ऊपर जो है कमीशन की कार्रवाई हुई है, मलबे को नहीं हटाया गया है, ये सब गलत बात है। लेकिन यह है कि संपूर्ण परिसर का जो है वीडियोग्राफी और कमीशन रिपोर्ट तैयार किया गया है। स्वास्तिक और ओम की बात कही जा रही है कि हमने कहा ना कि सारे साक्ष्य मिले हैं,
सारे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्मों के जितने भी सांस्कृतिक और धर्म से संबंधित जो भी प्रतीकें हैं उस परिसर में मिले हैं साक्ष्य के रूप में, और इस चीज़ का दावा पुष्ट करता है कि ये हम लोगों का दावा जो हम लोगों ने सही दावा जो है सही ढंग से सच्चाई के साथ हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है। चतुर्वेदी जी, अंतिम सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ मैं कि जब ये दावा आपका वहाँ पुष्ट हो रहा था, दोनों पक्षों के लिए दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे, तो कोई वाद विवाद की स्थिति या कोई विवाद नहीं, सारे दूसरा जो पक्ष था कुछ नहीं, कोई क्या सहर्ष स्वीकार कर रहा था इन सब भाई न्यायालय का आदेश है, जो सत्य है वो उनको भी मानना है, सच्चाई हमको भी मानना है, न्यायालय का आदेश है, इसमें क्या विवाद है। अब मुझे लगता है प्रतिमा, किसी भी चैनल में, खासकर मैं एबीपी न्यूज की बात कर रहा हूँ, 3 दिन से हम इस कवरेज को लगातार दिखा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम किसी भी चीज को साफ साफ दर्शक के बीच में रख दें। हमने ये बता दिया वादी पक्ष के वकील चतुर्वेदी जी से बात करके कि आखिर में परिसर में हुआ क्या क्या, पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से साफ साफ रख दिया। जो वादी पक्ष के वकील बोल रहे हैं कि हमारा जो दावा था वो दावा पुष्ट होता दिखाई दे रहा है, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कोर्ट की जो बाध्यता है, कोर्ट की जो बाध्यता है उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि साक्षात ईश्वर प्रकट हो गए। मुझे लगता है अब इससे ज़्यादा साफ आप कहीं नहीं देख पाएंगे। एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर जो आप सुन रहे हैं 3 दिन का निष्कर्ष, वही सबसे बड़ा निष्कर्ष है। वादी पक्ष के वकील इस बात की खुद पुष्टि कर रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।